सीएम योगी के फैन हुए कांग्रेस नेता, योगी मॉडल को अपने राज्य में अपनाएंगे ये कांग्रेस नेता। यूपी के शिक्षा मॉडल के मुरीद हुए हिमाचल के ये कांग्रेस नेता। क्या है पूरी खबर और कौन है वो कांग्रेस नेता, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जो हिमाचल पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा आपका प्रदेश है, उसमें किस तरीके से हमारा एजुकेशन आगे बढ़ रही है। योगी मॉडल जिसकी चर्चा ना केवल यूपी में है बल्कि पूरे देश में है, चाहे बात एक्शन की हो, अपराधियों पर लगाम लगाने की हो, महिला सुरक्षा की हो या फिर यूपी की शिक्षा की बात हो, हर मामले में यूपी 2017 के बाद से अव्वल दर्जे का प्रदेश माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस योगी आदित्यनाथ के मॉडल की फैन हो रही है, उससे राहुल गांधी को सचेत होने की जरूरत जरूर है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये मंत्री जी को भी शाम तक फोन घुमाकर दिल्ली बुला लिया जाएगा भाई, और आलाकमान से पूरा डोज पड़ेगा। बहरहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार अब कांग्रेस के लिए भी मॉडल बन रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री कह रहे हैं। सुक्खू सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यूपी के शिक्षा मॉडल की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने यूपी के शिक्षा मॉडल को हिमाचल प्रदेश में भी लागू करने की बात कही है। सुक्खू सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर योगी स्टाइल के मुरीद होते हुए उन्होंने ये कहा है कि हमने विभाग की एक बैठक रखी है जिसमें इस बात पर चर्चा हुई है कि यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम हुए हैं, जिस तरह से यूपी में एजुकेशन आगे बढ़ रही है, ऐसे में वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे हमें अपने यहाँ भी लेकर आए, उन्हें जो यूपी में जो प्रैक्टिसेस हो रही है उनको हमारे यहाँ लागू हो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यूपी के कामों से हमें सीखने की जरूरत है। हिमाचल के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद बीजेपी का क्या कहना है। जो हिमाचल पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा आपका प्रदेश है, उसमें किस तरीके से हमारा एजुकेशन आगे बढ़ रही है, वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम कैसे प्रदेश में लाए, और यहाँ की जो एक अच्छी शिक्षा की जगत में अच्छे कार्य हुए हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में परस्पर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से चर्चा हुई और इससे संबंधित आज हमने बैठक रखी है, जिसमें इसके अलावा जो गुणात्मक शिक्षा के प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध है इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी, और इस कार्यक्रम के बाद हम वहीं जाएंगे और मैं इसके बारे में अलग से आपको सारी जानकारी दूंगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से योगी की ये तारीफ पहली बार कतई नहीं है, इससे पहले भी सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूपी की तरह हिमाचल में भी रेहड़ी वालों के लिए नेम प्लेट अनिवार्य करने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस में उनकी काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अपना बयान का खंडन करना पड़ा था। जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया था नेम प्लेट को लेकर, उसके शाम होते होते ही आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन करके उनको दिल्ली बुला लिया था, जिसके बाद कई ज्यादा उनको फटकार भी लगाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर कहा था कि मेरे बयान को अलग तरीके से परोसा गया है, पेश किया गया है। बहरहाल कांग्रेस नेता रोहित ठाकुर के इस बयान के बाद बीजेपी का कहना है कि एक तरफ कांग्रेस के नेता यूपी और योगी मॉडल की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी यूपी को गाली देते हैं। एक और बार हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के मंत्री ने अब सराहा है एजुकेशन मॉडल को, उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल बीजेपी के मॉडल को। उन्होंने कहा है कि यूपी का जो एजुकेशन मॉडल है उसको अपनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, मतलब नेम प्लेट वाली पॉलिसी के बाद अब ये पॉलिसी को भी एक थम्स अप मिला है। पहले विक्रमादित्य सिंह जी ने किया था, अब रोहित ठाकुर कर रहे हैं। पर दुख की बात है कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति में जनहित के कार्यक्रमों को, जनहित के मुद्दों को, जनहित की नीतियों को रिजेक्ट करती है और यूपी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचती है उनको बदनाम करने के लिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को आज माफी मांगनी चाहिए, उनके खुद के मंत्री जो है वो कर रहे हैं कि जय बीजेपी मॉडल, जय उत्तर प्रदेश मॉडल, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को गालियां बकती है। लेकिन अब दिक्कत वाली बात पता है क्या है, वो ये है कि कांग्रेस नेता रोहित ठाकुर ने ये बयान तो दे दिया, उनको बढ़िया लगा तो उन्होंने ये बयान दे दिया, लेकिन वो खुद फंसने वाले हैं क्योंकि राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष है वो इस बयान के बाद शांत नहीं बैठेंगे। 3 से 4 दिन बाद ही देख लीजिएगा मंत्री जी को सख्ती से फटकार लगेगी, ये खबर हम आपको बताएंगे। 3-4 दिन तो छोड़िए, कल से परसों तक। लेकिन एक बात तो साफ है, योगी मॉडल को हर कोई अपनाना चाहता है और ना केवल बीजेपी ही, जहां बीजेपी की सरकार है बस वही, ना ऐसा नहीं है। जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां विपक्षी दलों की सरकार है, वहां पर भी लोग योगी मॉडल को अपनाना चाहते हैं, विपक्षी दल भी योगी मॉडल को अपने राज्य में लागू करना चाह रहे हैं, ये तो साफ है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, पहले विक्रमादित्य सिंह फिर इसके बाद शिक्षा मंत्री, उससे तो यही लगता है कि योगी के काम से कांग्रेस भी काफी ज्यादा प्रभावित है। लेकिन जब आला कमान से खौफ हो तो जमीन पर कुछ चीजों को लागू करना मुश्किल हो जाता है।
और ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ भी हो रहा है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार 3 से 4 बार से योगी मॉडल की तारीफ कर रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।